तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्क सन्स फार्मा के स्टॉक के बारे में। मार्क सन्स फार्मा के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक नहीं किया और हमको स्टॉक लगातार देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.0% स्टॉक में और तेजी आती है तो ऐसा भी और तेजी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 224 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन आजम को स्टॉक में 240 देन आजम को स्टॉक में 265 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक देन आजम को स्टॉक में 300 में 330 और 360 तक के लेवल्स भी अभी देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ सब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 208 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 186 और 170 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।